ये है डेली एनसीआर का फर्स्ट कार्निवल थीम रेस्टोरेंट जिसकी वाइब ना बिल्कुल जैसे मेले की वाइब होती है ना वैसी होने वाली है और ये कहाँ पर ओपन हुआ है क्या है इनका मेन्यू क्या क्या यहाँ पे फूड ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे कॉस्ट क्या आने वाली है पर per पर्सन की सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर तो अगर अभी तक आपने यूथ बाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से कर लो क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी बेस्ट ऑफ द स्ट्रीट फूड कैफे रेस्टोरेंट सबके रिव्यू वीडियोज ऑन दिस चैनल तो चलो देर ना करते आपको लेकर चलते हैं रेस्टोरेंट में और दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या आप ट्राई कर सकते हैं और कैसी है यहाँ की वाइब कार्निवल थीम का तो है और नाम भी इसका कार्निवल है जो है गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल नोएडा एक्सटेंशन में लोकेटेड एंड जैसा एक कार्निवल और मेले में जाके आपको अलग अलग फूड स्टॉल्स मिलते हैं ना यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करा हुआ है की एक ही जगह पे बैठ के ना आप मल्टीपल चीजें ऑर्डर कर सकते योर टेबल यहाँ पे आपको खड़े होकर खाने की जरूरत नहीं है बट हैव प्रिटी गुड एम्बियंस जहाँ पे आप बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ डाइन कर सकते हो एंड इनके मल्टी मल्टीन फूड मेन्यू में से इंडियन इटालियन चाइनीज चाट सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्राई करने के लिए तो so, सबसे पहले हमने ऑर्डर करा इनका पनीर टिक्का पिज्जा व्हाइट सॉस पास्ता थ्री टाइप ऑफ शेक्स हमने यहाँ पे मंगवाए जिसमें हमने मंगवाया था बटर स्कॉच शेक कोल्ड कॉफी एंड चॉकलेट शेक सबसे पहले मैंने ट्राई किया यहाँ पे इनका पनीर टिक्का पिज्जा विच वॉज प्रिटी गुड अच्छा था ये टेस्ट में तो यहाँ पे जाओ तो ये तो आप ऑर्डर कर सकते हो मेन्यू में से देन हमने यहाँ पे मंगवाया था वाइट सॉस पास्ता जो कि काफ़ी क्रीमी था बट मेरे को लगता है थोड़ा सा और इम्प्रूव ये यहाँ पे हो सकता था देन यहाँ पे हमने ट्राई करी इनकी ओरियो शेक भी हमने मंगवाया था इनके मेन्यू में से विच वॉज प्रटी गुड काफ़ी थिक शेक था और बटर स्कॉच शेक वॉज ऑल्सो गुड देन इनके मेन्यू में से मेरे को लजानिया काफ़ी पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी यहाँ पे ट्राई किया जाए आप लोगों ने लजानिया ट्राई करा तो मुझे कॉमेंट करके बताना ये इटालियन डिश होती है पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है ये परफेक्टली एकदम बेक था और अंदर की जो सॉसेस थे वेजीज थे उसका फ्लेवर काफी अच्छा आ रहा था बात सिर्फ खाने की नहीं है वो तो अच्छा है ही यहाँ पे बट साथ ही ना यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी आप एंजॉय कर सकते हो एवरी वीकेंड और ऑलमोस्ट मतलब अलग अलग दिन पे ना अलग अलग सिंगर्स यहाँ पे आते हैं और एकदम ना बिल्कुल जो कार्निवल वाली वाइब होती है ना मेले वाली वो पूरी आपको यहाँ पे मिलेगी डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं लाइव म्यूजिक यहाँ पे चल रहा है एंड इतना ही नहीं यहाँ पे गेमिंग सेंटर भी है इसके अलावा आप नॉर्थ इंडियन भी यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो जिसमें मैंने तो मंगवाया था यहाँ पर पनीर बटर मसाला जिसका टेस्ट काफी मुझे अच्छा लगा एंड फूड के प्राइजेस भी काफी नॉर्मल है मतलब नॉर्मल एक जितना फाइंड आइन के होते हैं उतने ही यहाँ पे आपको प्राइस में मिल जाएगा सब कुछ अब आप कार्निवल में जाओ और वहां पर जाके चाट ना इंजॉय करो तो ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने तो यहाँ पे मंगवाई थी राज कचोरी जो की पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी इनके मेन्यू में से एंड सिर्फ इतना ही नहीं इनके पास और भी काफी सारे ऑप्शन है चाइनीस था इंडियन था इटालियन था बहुत सारे और ऑप्शन करने के लिए तो कॉमेंट करके बता दो आपका प्लान बना रहे यहाँ पे जाने का क्योंकि यहाँ की जो वाइब है वो तो आपका दिल जीत ही लेगी एंड अगर आप डेरियन सीआर में कहीं पर भी रहते हो ना तो अपने बच्चों को लेके जाना यहाँ पे बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो काफी इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे आई पेड अप्रोसीमेटली टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फॉर फोर पीपल जो मुझे लगता है काफी नॉर्मल था मतलब फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड पर पर्सन सो तो आप भी यहाँ पे जाने का प्लान नाना फॉलो करना यूथ बाइट्स को